मजीद आपको दिखाई तो हमने ये उतारा है, इसका भी इनको बताना नहीं है, बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे कि हमने करना क्या। अभी जैसा कि मीटर भी खोला जा रहा है, अभी हमारे सारे बल्ब हैं जो कि हमने उतार लिए हैं, जो कि हमने चेंज करने हैं और इनके कलर, खैर इनको फ्री करते हैं फिर एक और आगे। रात का व्लॉग मैं सुबह देखूंगा, मैं कह रहा हूं मैं भी देखूंगा सुबह, मैं भी देखूंगा, मैं तराशी लूंगा आपकी। ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। अच्छा एक और चीज है कि हमने ना आरपीएम मीटर भी लगाना है हमारे पास पड़ा हुआ है, आरपीएम मीटर, हां उसकी वायर्स कहां पे लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। जैसा कि हम मौजूद हैं गाड़ी में और आज हम रात के टाइम व्लॉग बना रहे हैं, अंधेरा हुआ है बाहर और हमारे साथ उमर भाई फिर से मौजूद हैं, और हमने रात को इसलिए काम शुरू किया क्योंकि हम फ्री नहीं थे दे में और बारिश बहुत थी, बारिश लगी थी, ये चेक कर सकते पानी भी खड़ा। और अभी जो हमने चीज़ें खोलना शुरू की थी, तो जैसा कि अभी हमने ये ऊपर से उतारा है गन, ये हमारे पुराने ओनर के काम है, हमारे नहीं, अच्छा ये हमारा नहीं समझना कि हमने किए हैं, ये जिस तरह के ये शीशा भी उतार के रखा है, और ये बैक ऑफ द कैमरा काम और थे अभी ये दिखा, तो बाकी मजीद आपको दिखाएं तो हमने ये उतारा है, इसका भी इनको बताना नहीं है, बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे कि हमने करना क्या। अभी जैसा कि मीटर भी खोला जा रहा है तो गाड़ी हमारी नहीं हो रही है, खुल रही है, हाँ गाड़ी खुल रही है, बाकी मामला जो है यस हो रहे हैं। हाँ बाहर से शीशा क्यों काला है, क्योंकि कपड़ा ऊपर ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर लोग सोचेंगे बिल्कुल ही ब्लैक कर दिया, ये कपड़ा पड़ा हुआ है गाड़ी के ऊपर से, हमने आधा कपड़ा उतारा हुआ है क्योंकि बारिश का था पता नहीं है। तो अभी जैसे कि हमें लाइट भी ज़रूरत है और हम लाइट के साथ साथ बना वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ ये जो हमारे अपनी हाथ की चीज़ें हैं वो करें, और इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा है, आप लोगों को ये फ़ायदा है कि आप लोगों को पता लगेगा कि कौन सी चीज़ कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कैसे नहीं। अब ये हमारे सारे बल्ब हैं जो कि हमने उतार लिए हैं, जो कि हमने चेंज करने हैं, और इनके कलर्स हमने कोई और लगाने हैं, देख सकते हैं आप, ये हमारे नीचे के सारे बल्ब हैं उतर चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारे गाड़ी के अंदर का हाल है, ठीक है। और ये बच्चे जो हैं बड़े टाइम से कह रहे थे कि व्लॉग में लेकर आना, कहला देखे जी व्लॉग देखा है, व्लॉग क्या देखना है। तो अभी जो हमने मीटर उतार लिया है, मीटर को भी हम नीचे रखते हैं, और बाकी जैसा कि अभी देख सकते हैं अंदर के हालात, अंदर से तो गाड़ी के हालात ठीक ही लग रहे हैं, बाकी मजीद ना भी हुए तो हमने ठीक करने हैं, और अभी मजीद हम लोगों ने ना बता भाई चैनल का, भाई चैनल का नाम क्या है बताओ इसको, तो बाकी ये जिस तरह जितना होगा क्यों 46 पे क्या है, हम 40 हमारा गैंग 46 वाला है, गैंग 46, ये देखिए जी गैंग वाले खड़े हैं भाई, गैंगस्टर भी है। जैसा कि आप लोगों को दिखाया हमने मीटर कैसे खुला है, वो भी आपको बताएंगे, अभी जिस तरह बल्ब उतारे हैं हमने आपके सामने किस तरह उतरे, ठीक है। और ये फ्री भी हम उतारने लगे, कितने सब्सक्राइबर है, ये जाके आप नहीं नहीं पता अभी नहीं, ये आप जाके घर जाके चेक करना आपको पता लग जाएगा, नाम बता चैनल का, तो खैर इनको फ्री करते हैं फिर एक और रात का व्लॉग मैं सुबह देखूंगा, मैं कह रहा हूं मैं भी देखूंगा सुबह, मैं भी देखूंगा, मैं तराशी लूंगा आपकी। ठीक है ठीक है, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, ठीक है चलो अब हम काम कर लें, चलो जी अभी चलो घोड़े मारते हैं, चलो तो अभी जो हम लोगों ने ये फ्री भी उतार दी पीछे से, हमें गाड़ी का दरवाज़ा बंद ही करना पड़ेगा, बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, फ्री भी हमने उतार लिए, मीटर भी उतार लिए, अभी हम जो है ना सामान थोड़ा सा पीछे रखते हैं, व्लॉग को थोड़ी देर रोकते हैं या तो, और हाँ एक और फ़ायदा हमें यह है कि हम मीटर, हमारे मीटर की भी सफाई हो जाएगी, पप्पू किस्म का हो जाएगा, ये क्या है शीशा, अभी नहीं उतारते शीशा, ऊपर घर जा कर उतारेंगे, हाँ ये बंद रहने दे, ये घर ऊपर इधर नहीं उतारना, हाँ ऊपर ले जा कर उतारेंगे, अभी पीछे रखते हैं, नंबर प्लेटें भी हमारी पीछे पड़ी हुई है, बाकी इसका जो हॉर्न का मसला था वो भी हम इंशाल्लाह सेट करेंगे, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं सारा कुछ, अब बच्चे तंग करने लगे थे बीच में, अब ये है कि हम लोग इसका जो करेंगे वो आपको बाद में दिखाएंगे, मतलब दिखाएंगे बताएंगे नहीं, हाँ करेंगे बहुत कुछ इंशाल्लाह, अब इंटीरियर की भी गेम ऑन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और मजीद अंदर से भी जो पेंट होने वाला होगा ना वो हम खुद मार लेंगे स्प्रे पेंट, ताकि जंग शंग ना लगे, और
बाकी बाहर का पेंट जो हम वो बाहर किसी से ही करवाएंगे और मजीद जो होगा अंदर से कुछ गलत चीज़ें भी नहीं करी हैं, ये अकील भाई की थी हमारे, तो जैसे कि अभी ये चीज़ें टूटी हैं ये हम नई लगवा लेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी देखते हैं जो भी साथ साथ हमारी वायरिंग और ये वो चीज़ें हो रही हैं। ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की तार है? अच्छा ओके, ये वहाँ से आ रही है, कनेक्शन आ रहा है। हाँ तो इसके यहाँ पे जो स्पीकर लगे हैं उनकी भी वायर है वो, और इसका सिक्योरिटी सिस्टम वाला वो लगा हुआ है सारा, और हमने इसका सिक्योरिटी सिस्टम भी उस तरफ वाला चलाना है, इस तरफ वाला नहीं। जी जी कह रहे हैं। तो जनाब अभी जो है हमने जैसा कि प्री उतारी थी और ये भी उतारा है, तो अभी ये उतार रहे हैं, ठीक है। और ये भी बल्ब भी है, ये बल्ब देख सकते हैं, बल्ब चेंज करने में सारे, ये हम सिर्फ लास्ट टाइम जैसा टूटा था ना उसकी वजह से, तो अब ये नया लगाना पड़ेगा, जिस तरह अब ये हमारे से टूटा था ये भी नया लगेगा। तो बाकी मामलात ऐसे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलेंगी। अब ये जो है हमारा एसी वाला स्विच, बता नहीं कैसे खुलेगा, इसमें तो सामान है, बाद में हम निकालेंगे। अभी जो मेन चीज़ें थी हमने बल्ब शल्ब सारे उतार लिए हैं, जो कि ये बल्ब हैं, और ये सारे हम जो है रेड कलर के एलईडी में मिलेंगे ना, हमें तो एलईडी में डालेंगे, और हमारा जो मीटर है सारा, हाँ जो हमारा सारा मीटर जो है वो रेड कलर का शो होगा। तो बाकी मज़ीद देखते हैं जो चीज़ें उतारने वाली हैं, फिर साथ साथ दिखाएंगे। ये तो इधर का बटन है, ये वाला, हाँ पीछे से है इसका, हाँ खैर है, ये तो बटन इधर है, ये रहा ये तार आ रही है इसकी, ख्याल है बाद में चाहिए। और यहाँ से कोई चीज़ तो नहीं उतरने वाली है ना, क्या इसकी पिच बना। अच्छा एक और चीज़ है कि हमने ना आरपीएम मीटर भी लगाना है, हमारे पास पड़ा हुआ है आरपीएम मीटर, हाँ उसकी वायर्स कहाँ पे लगेंगी वो मैं आपको कल बताऊँगा। चलो वो भी हम देखेंगे, वो आरपीएम मीटर है हमारे पास, मुझे खुद को नहीं पता क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन नहीं है। ये देखें जी, जैसा कि देख सकते हैं स्पीकर इधर भी लगे हुए हैं यार, भाई मैं आया था आप रूम में भी नहीं थे, मैं फिर कहीं काम आ गया। देखते हैं इसका अगर डैशबोर्ड हमें मिल जाता तो वो भी देखेंगे। तो जनाब सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग सामान अपना सारा उठा रहे हैं, मतलब कि जो चीज़ें सफाई होने वाली हैं वो उठा रहे हैं, जैसा कि इनका पेंट रिमूव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये उतारेंगे, इनके ऊपर हम वेलवेट की सेटिंग करेंगे, और क्योंकि हमने छत भी वेलवेट या अलकंटारा वाली टाइप की लगानी है, बाकी गाड़ी की बैटरी भी यहीं पे पड़ी है हमारे कमरे में। खैर अभी इनकी सफाइयाँ करते हैं, फिर आपको इनकी लुक दिखाते हैं। बाकी लाइटें अगर चेक करें तो ये लाइटें पड़ी हुई हैं, और लाइटें लश पश हो के रिंग लाइट्स अभी नहीं इंस्टॉल हुई, जो कि मैंने बल्कि नहीं, हाँ नहीं बनाया वो, बाकी आपको चेक कराएँगे जिस टाइम गाड़ी की लाइटें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। बाकी अभी ये खोलते हैं इसको मज़ीद, और इसकी सफाइयाँ शफाइयाँ शुरू करते हैं। A few hours later. तो गाइस सीन कुछ ऐसे कि हमने सारे पार्ट्स की सफाइयाँ वगैरह कर ली थी, और हम ऑफिस जैसा कि आए हुए और बैठे हुए अभी ऑफिस में हम, और हमने कहा चलो यहाँ पे हम व्लॉग एंड ही कर लें, कि हमने सफाइयाँ वगैरह करके सारे पार्ट्स ओके करके रख दिए हैं, लेकिन हमने रिंग लाइट्स इंस्टॉल नहीं की, रिंग लाइट्स हम इंस्टॉल करेंगे कल। तो मेरे ख्याल में आज का व्लॉग यहीं पर हम ख़त्म करेंगे, कल नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जो कि होगा रिंग लाइट्स के बारे में। तो जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।